नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करते हैं जन्म कुंडली में फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। जब भी हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं, किसी भी जातक की, तो उस जातक का फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यही होता है कि क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रहेगी और जो है वो अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, कुंडली क्या बताती है कि मेरे पास पैसा कितना होगा, तो वो कैसे देखेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसको देखने के लिए हमारा धन भाव देखना जरूरी होता है। धन भाव का मतलब है सेकंड हाउस। तो अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप लग्न कुंडली के अलावा दशमांश कुंडली में जो कर्म का भाव है, अगर कर्म अच्छा होगा तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। तो दशमांश कुंडली के थ्रू देख सकते हैं या फिर नवमांश के थ्रू भी देख सकते हैं। लेकिन केवी कृष्णमूर्ति में क्या है कि हमारे पास है कसफल सब लॉर्ड, तो हम क्या करते हैं कि सेकंड हाउस क्या है, हमारी जो स्टेबिलिटी है, हमारी लाइफ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको दर्शाता है। तो सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस का जो कसफल सब लॉर्ड है वो ये दर्शाता है कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होता है। तो आपके सामने ये जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में हम देखिए कि सेकंड हाउस का जो कसफल सब लॉर्ड है, ये पहला असेंडेंट है। असेंडेंट का मतलब पहला भाव हो गया जो हमारा शरीर है, और सेकंड भाव जो है वो हमारा फाइनेंशियल है। तो सेकंड हाउस का कसफल सब लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर बनता है। तो अगर सेकंड हाउस का कसफल सब लॉर्ड अगर ओड साइन में बैठा है, ओड साइन का मतलब है कि एक नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर और सात नंबर, तो ये क्या है, ओड साइन है। तो अगर हमारा जो सेकेंड हाउस का कसफल सब लॉर्ड अगर ओड साइन में बैठा, जैसे यहाँ पे जुपिटर बनता है और जुपिटर जो है वो सिंह राशि में बैठा है, यानी कि आपका ओड साइन में बैठा है, इसका मतलब है कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी रहेगी, ये जो है हमारी पोजीशन अच्छी रहेगी। अब देखिए, अगर हमारा जो सेकेंड कसफल सब लॉर्ड जो है वो जिस भाव में बैठा है, भाव में, तो अगर हमारा सेकेंड कसफल सब लॉर्ड पहले भाव में, जो पहला भाव हमारा लग्न का होता है काफ़ी अच्छा होता है, उसके बाद दूसरा भाव जो है वो हमारा फाइनेंस है तो दूसरा भी अच्छा होता है, तीसरा भाव जो है वो कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, तो तीसरा भाव भी अच्छा होता है, उसके बाद छठा भाव जो है वो नौकरी का है तो नौकरी भी अच्छी होती है, टेंथ हाउस जो है कर्म का है, स्टेटस है तो वो भी अच्छा है, और इलेवंथ भाव जो है वो लाभ है तो वो भी अच्छा है। यानी कि अगर हमारा सेकंड कसफल सब लॉर्ड इन भावों में बैठा हो, जैसे इस व्यक्ति का जो है सेकंड कसफल सब लॉर्ड जुपिटर जो है वो फोर्थ हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब आप ये जान सकते हो कि इस व्यक्ति का फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी है लेकिन स्टेटस जो है वो उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद कि हमारा जो सेकंड कसफल सब लॉर्ड है जिस राशि में बैठा है, अब आपके सामने ये जो है वो मेष राशि में बैठा है, मेष राशि क्या, चर राशि है। अगर हमारा सेकंड हाउस का कसफल सब लॉर्ड अगर चर राशियों में बैठा है तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो लिमिटेड होगी, और अगर ये फिक्स साइन में बैठा है, फिक्स साइन कौन से होते हैं, जैसे वृषभ राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, अगर इनमें बैठा है तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो स्लो चलेगा, लिमिटेड नहीं, स्लो होगा, मतलब वो हमारे पास जो पैसा आएगा वो धीरे आएगा, तो ये स्लो को दर्शाता है। फिर देखिए कि अगर हमारा सेकंड कसफल सब लॉर्ड, जैसे यहाँ पे सेकंड कसफल सब लॉर्ड जुपिटर बना है, तो वो अगर द्विस्वभावी राशियों में यानी ड्यूअल साइन में है तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो है लाभ बड़ा जबरदस्त आएगा, यानी कि ह्यूज प्रॉफिट आएगा। तो ये चीजें दर्शा देती है कि हमारा जो है स्टेटस कैसा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और लाभ कैसी है। तीसरी चीज है कि अगर हमारा सेकंड कसफल सब लॉर्ड 2, 6 और 11 दर्शा देता है, 2, 6, 11 का मतलब है कि अच्छा पैसा। देखिए यहाँ पे देखा आपने, सेकंड कसफल सब लॉर्ड जुपिटर बना, और जुपिटर आप अगर देखोगे तो जुपिटर है 8, 3 और 12, और अगर जुपिटर का स्टार लॉर्ड केतु बनता है और केतु भी यहाँ पे 1 और 8 दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा सेकंड कसफल सब लॉर्ड 8, 3 और 12 दिखा देता है, इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं। अगर हमारा सेकंड कसफल सब लॉर्ड अगर 2, 6, 11 दिखा देता है, इसका मतलब हमारे पास बहुत अच्छा पैसा है। और भी कई भाव हैं, उस हिसाब से अलग अलग तरह से हम आंकलन कर सकते हैं। और अगर हमारा सेकंड कसफल सब लॉर्ड 6, 8, 12 दिखा देता है, इसका मतलब है कि हमारे पास पैसा आएगा जाएगा, और हमारे जो टोटली जो एवरेज देखी जाए तो एक निर्धनता के ऊपर देखी जाएगी कि भाई हमें कई बार ऐसा होगा कि हमारे पास जो है 100 रुपये भी नहीं होंगे, और निर्धन आप मान सकते हो, बहुत ज़्यादा खर्चा होना और पैसे पैसे के लिए मोहताज रहना, तो वो चीज़ क्या दर्शाती है, अगर हमारा सेकंड हाउस का कसफल सब लॉर्ड, सेकंड कसफल सब लॉर्ड अगर 6, 8, 12 दिखा देता है तो इसका मतलब है कि हम निर्धन होंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है
एक तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन है, एक हमारा स्टेटस है, जो हमारी वैल्यूज बनती है, हमारी जो रिलेशन है, हमारी जो कॉलोनी जहाँ पे हम रहते हैं शहर में, और तीसरा है हमारी जो इनकम का जो सोर्स होगा वो कैसा होगा, लिमिटेड होगा, स्लो होगा, या ह्यूज प्रॉफिट के तौर पे आएगा, और तीसरा है कि हमारा जो है पैसा वो मतलब जो पैसा है वो कैसे स्टोर रहेगा, यानी कि तो वो सेकंड कस्पल सबलोडी बताएगा कि भाई 2611 है तो अच्छा पैसा आएगा, 1368 12 है तो हमारा पैसा जो है वो ज़्यादा खर्च होगा, खर्चीला स्वभाव होगा, पैसा आएगा उतना ही जाएगा, और 6812 है तो निर्धन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में भी एनालिसिस कर सकते हो कि हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसा है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई है तो आप मैसेज करें इस वीडियोस के नीचे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड और वीडियो बनाऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों।